हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हायर के डीप फ्रीजर के बारे में। जानेंगे इसकी प्राइस और देखेंगे इसमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कभी भी कहीं पे भी प्राइस, तो हमको नहीं बोलिएगा प्राइस नहीं बताया, कमेंट ये नहीं कीजिएगा। तो चलिए वीडियो के साथ में लगे रहिए, एंजॉय कीजिए और बताइए कैसा है कैसा नहीं है। सबसे पहले हम लोग चारों साइड बॉक्स के देख लेते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। ये साइड में आपको देख ले तो वेट मिल जाता है कि कितना वजन का है। नेट वेट 72 kg है और ग्रॉस वेट से फ्रिज का जो है वो 64 kg शायद है। यहाँ पे मिल जाती है एमआरपी है 36,990 रुपये। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कपड़ा टेक्निकल हुआ। हम आपको बताएंगे हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का बेस्ट प्राइस। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ग्रॉस वेट इसका 72 kg है और नेट वेट जो है वो 64 kg है। मतलब कि अगर पूरे डब्बे के साथ में इसका वजन किया जाए तो 72 kg होगा और सिर्फ फ्रिज का जो वजन है 64 kg है। आउटपुट वोल्टेज की बात कर ले तो 220 से 240 के बीच में ये चलने वाला है और इसका जो वोल्टेज है ये 240 वोल्टेज का ये फ्रिज है। मतलब कि मोटा मोटी अगर एक पंखा 150 वोल्टेज का है तो उस हिसाब से जोड़ लीजिए कि 2-3 पंखे चलाने के बिजली बराबर बिजली बिल ये खाने वाला है। और बात कर लेते हैं इसके चौड़ाई और लंबाई के बारे में, तो चौड़ाई जो है 2 फुट 3-4 इंच है और जो लंबाई है 4.5 फुट है। और बात कर लेते हैं ऑल ओवर इसके और भी चीजों के बारे में। तो चलिए जल्दी से अपने बॉक्स को रिमूव करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है और क्या नहीं है। और बात कर लेते हैं पहले इसके मैं मॉडल के बारे में, है ना। मॉडल में आपको बता दूं, इसका जो मॉडल है HCC 500C का है। ये खुलने के बाद कुछ इस तरीके से पूरे सेफ्टी मेजर का पूरा ध्यान रखा गया, समझे। मतलब कि इतना अच्छा बॉक्स को पैकिंग मैंने और भी चीजों में बिल्कुल नहीं देखा था। सब तरफ से थर्माकॉल जो भी है वो एक टाइप के लॉक में लगा हुआ है। ये भी एक टाइप का बॉक्स है, समझे। थर्माकॉल का है तो क्या हुआ भाई, बॉक्स बॉक्स होता है ना। तो इसके ऊपर ये कार्टून था, इसको हमने फट से हटाया और देखते हैं हमारे डीप फ्रीजर को। तो इसमें आपको मिल जाता है 2 ढक्कन, ये 500 लीटर का है, आप समझ रहे हैं, 500 लीटर का है, बहुत ज़्यादा है, मज़ा आने वाला है। और इसमें 2 ढक्कन मिल जाए, इसमें ट्रांसपोर्टिंग का काफ़ी ध्यान रखा गया है। मतलब कि ट्रांसपोर्ट में आपका ये जो ढक्कन है वो दब उब ना जाए, उसकी जगह पर लॉक लगा दिया गया है कि ढक्कन जो है ज़्यादा ना दबे नीचे तक, जहाँ तक दबता है जहाँ तक रहता है ढक्कन वहीं तक। ये देखिए ये थोड़ा सा दब गया तो शायद लगता है कि ये बाहर आउट आ चुका है। और बात कर लेते हैं इसके बॉडी के बारे में, तो बॉडी जो है वो चदरे का है मगर उस पर काफ़ी मोटा पेंट किया गया है, जिसके ऐसा लगता है कि ये प्लास्टिक का है। और ये जो है ये फुल्ली पतला है थोड़ा सा। यहाँ पे जो भी चीज़ें आप रखी रहेगी, कंप्रेसर है, जो भी मशीन है इसके अंदर में यहीं पर है, क्योंकि अंदर साइड से थोड़ा बॉक्स उठा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा जगह अंदर साइड से उठा हुआ है। ये कुछ इस तरीके से है। हमने सारे लॉक को अब हटा लेना है और फटाफट देखना है अपने डीप फ्रीजर को कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख लें कि सब लॉक आराम से हट जाएंगे, सेलो टेप के द्वारा चिपकाया हुआ है। और यहाँ पे मिल जाता है आपको लॉक, दोनों ढक्कन में अलग अलग लॉक मिलते हैं। इसको पहले हम लोग हटा लेते हैं, कुछ इस तरीके से हट जाएगा, है ना। इसको आराम से इजीली तरीके से आप हटा लेंगे। और ये जो देख रहे हैं आप, ये मेटल का है, ये जो लगाया गया है इसमें टुकड़ा, मेटल का टुकड़ा है ये, ताकि ढक्कन दबे ना। और बात कर लेते हैं अब अंदर के बारे में, तो अंदर में काफ़ी अच्छा है। मतलब कि चारों साइड से स्टील का मेटल जो है वो लगा हुआ है। यहाँ इसमें मिल जाता है आपको 2 जाली, 2 चीज़ें दोनों साइड में रख सकते हैं आप, इसी तरह ऊपर में टंगा हुआ रहेगा ये। और बात कर लेते हैं ऑल ओवर इसके अंदर के स्टोरेज के बारे में, तो 500 लीटर की लेने वाला, समझे, बहुत बेहतर है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, नॉर्मल आपको दुकानों के लिए, ठंडे वंडे होटल वोटल के लिए काफ़ी ये बेहतर है। ये अंदर पूरा स्टील है, पूरा का पूरा स्टील लेयर है। और बात कर लेते हैं फ्रीजिंग कैपेसिटी के बारे में, तो फ्रीजिंग कैपेसिटी जो है वो 32 kg, 24 घंटा में 32 kg है बर्फ बना सकता है, पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बर्फ। और यहाँ पे मिल जाता है आपको दोनों लॉक, इस दरवाजे का दोनों लॉक अलग अलग है, यहाँ यहाँ दोनों के दोनों अलग चाबी मिल जाएंगे। और ये मिल जाता है आपको दोनों डोर के बीच वाला सपोर्टर, और इसमें मिल जाते हैं आपको 2 नेट, और इसमें मिल जाता है आपको 2 चाबी और एक मैनुअल और गारंटी पेपर। ये सारी चीज़ें इस प्लास्टिक के अंदर में आती है। और भी बात कर लें इसके चीज़ों के क्वालिटी के बारे में, तो मेरे हिसाब से इसका क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छा है। आप इसको मेरे हिसाब से 4.1 रेटिंग दे सकते हैं। दोनों लॉक के जो लॉक लगने वाले हैं वो इसी में लगने वाले हैं, ढक्कन में लॉक रहेगा और वो यहाँ पे आके लॉक लग जाएंगे। और इसके बारे में बात कर लें, ढक्कन खोलने बंद करने में ये काम आने वाला है, इसको कहते हैं कब्जा। तो ये जो कब्जा है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ड्यूरेबिलिटी के साथ में आता है, मजबूत है, मोटा प्लेट है। और भी बात कर लें ढक्कन के बारे में, तो ढक्कन का भी जो डिज़ाइन है नॉर्मल है, बेस्ट है। और चारों साइड से आपको मैग्नेट का रबड़ मिल जाता है जो आपको ठंडापन को बाहर आने के लिए रोकेगा। और अब फाइनली हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो ये आपको 30,000 से लेके 30,500 तक में अगर आप परचेज कर रहे हैं तो काफ़ी बेटर है। और हार्डली अगर नहीं दे रहा है कोई दुकानदार, तो लास्ट आपको जाना है 31,000।
31,000 से पेमेंट ज्यादा बिल्कुल नहीं करना है, 30,000 से लेके 31,000 के बीच में आपको पेमेंट करके इसको परचेस करना है, तो ही आप बेस्ट मतलब कि प्राइस में परचेस कर पाएंगे। इससे ज्यादा पेमेंट कभी नहीं कहीं नहीं कीजिए, उतना में आराम से दुकानदार कमा भी रहा है। और अब बात कर ले ये साइड अंदर के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा स्टेप टाइप का फीलिंग आता है, थोड़ा अंदर में जो मशीन है ना वो उसकी जगह के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा किया गया है। और अगर आपको पानी भर जाता है, मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा पानी कहाँ से निकालना है, तो इसको आपको नॉब को खोल लेना है और बाहर साइड भी इसी तरीके से, बाहर साइड भी एक नॉब है यहीं सामने में जिसको आप आराम से खोल सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये जो नॉब है इसको आपको खोल लेना है, बस ये दोनों आप खोल देंगे जो भी पानी होगा वो आराम से अपने आप निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। इसका कुछ का काम नहीं है, ये आराम से आपको टाइट कर देना, टाइट क्या दबाइएगा आराम से चला जाएगा अंदर। और इसका भी आपको ये ढक्कन खोल देना, ये रबड़ यहाँ पे रहता है, ये दोनों ध्यान से रखें, भुला ना दें, नहीं तो यहाँ पे से हमेशा हवा लीक करता रहेगा। देखिए मैं यहाँ से अभी LED टॉर्च मार के दिखाता हूँ, ये अंदर ब्लिंक करेगा, यहाँ से मतलब होल है पूरी तरीके से, वो हवा वहाँ से पानी वहाँ से आराम से निकल जाएगा। और पानी निकालने के बाद आप इसको बंद कर दीजिए, जो खुला छोड़ना बिल्कुल सुरक्षित नहीं। कुछ इस तरीके से आप अपने फ्रिज का पानी निकाल सकते हैं। और फ्रिज के पानी निकालने के जस्ट बगल में ही आपको एक मिल जाता है स्विच, जहाँ पे दो इंडिकेटर है जिसमें आपको लाइन इन लाइन आउट का दिखाएगा। और यहाँ पे जो देख लेते हैं स्विच जो देख रहे हैं आप, ये आपको अगर कम करना है तो जो 4 से 5 के बीच में जो एरो है उसको आपको 1 पे कर देना होगा, और आपको ज्यादा करना है तो उस एरो का आपको 7 पे करना है। तो ये घूमेगा कैसे, तो आपको कोई भी क्वाइन लेना है, आपको क्वाइन के द्वारा इसको घुमाना है, आराम से ये घूम जाता है। तो ये तो हो गई सब सामने की बातें, है ना, सारा स्विच हो गया। आप देख लेते हैं पीछे कुछ इस तरीके से मिलता है, यहाँ पे मिल जाता है आपको सारा मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और वायरिंग कैसे कैसे हो रखी है वो सारी चीजें हैं। यहाँ पे मिल जाता है दो होल, वो किस लिए है वो मुझे पता नहीं है, ये सिर्फ कैप में है, यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है होल के बारे में। तो बाकी ये रहा पीछे का, यहाँ पे मिल जाता है आपको कंप्रेसर, यहीं से कंप्रेसर ठंडा रहेगा, जाली रहेगा उसका, हवा आन जान करता रहेगा कंप्रेसर के लिए। वाह 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 वाह, ये रहा फ्रिज। अब बताओ भैया वीडियो कैसा है, लाइक करो वरना डिसलाइक मारो। ये क्या मतलब, मैंने डिसलाइक बोला तो डिसलाइक मार दिया तुमने, लाइक बोला तो वो नहीं मारा। जल्दी से लाइक करो वीडियो को हमारे, और चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो हमारे चैनल को, ताकि हम इसी तरह का वीडियो ला पाएं आपके लिए। थैंक यू। हमारे चैनल पे जो प्राइस बताया जाता है वो ऑनेस्ट प्राइस है, बिकॉज आई एम अ डीलर सो आई टेल यू अबाउट अ प्राइस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।